निकोबार आइलैंड्स में कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं जिन पे कुछ ट्राइब्स रहती हैं, जिन्हें हम इंडिया का हिस्सा मानते हैं, बट इंडिया को कोई लॉ, इंडिया का कुछ भी वहाँ पे अप्लाई नहीं होता. सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड दैट एरिया एंड 5 किलोमीटर रेडियस ऑफ दैट एरिया एज अनअप्रोचेबल, कि आप वहाँ नहीं जा सकते हो. इट इज़ एन एक्सेप्शन, पॉलिटी पढ़ चुके हो आप लोग, इट इज़ एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, राइट टू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. यू कैन नॉट गो देयर. आप ये नहीं कह सकते कि मैं इंडिया का सिटीजन हूँ भाई, मैं इंडिया में कहीं भी जा सकता हूँ. कुछ जगह हैं जहाँ आप नहीं जा सकते. सो लेट्स से जरावा ट्राइब रहती है वहाँ पे, सेंटिनलीज ट्राइब रहती है. ये ट्राइब्स ऐसी हैं कि अगर आप टाइम मशीन में बैठो और आज से 5-10 हज़ार साल पीछे चले जाओ, तो उस टाइम जैसे लोग होते थे वो लोग वैसे हैं. तो वो कोई कपड़े नहीं पहनते हैं, अगर पहनते हैं तो पत्ते वगैरह लपेट लेते होंगे. उनको कुछ नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है. अगर वो प्लेन उड़ता हुआ देख लेते हैं तो वो सोचते हैं कि एलियन है, पता नहीं किसी दूसरी दुनिया से आए हैं. दे हैव अ लैंग्वेज ऑफ देयर ओन. जंगलों में ही सब खा पी के वो लोग जिंदा रहते हैं. और कभी कभी ये जो अंग्रेज़ होते हैं ना, इनको बड़ा शौक चढ़ता है कि हम देख के आए हाउ दीज पीपल लिव एंशियंट, है ना, ये क्या प्रिमिटिव ट्राइब्स. तो ऐसी 2016 या 17 की बात है, एक अमेरिकन टूरिस्ट आया इंडिया में और उसने एक बोट वाले को पैसे दिए. अंडमान निकोबार चला गया, उसने एक बोट वाले को पैसे दिए कि भाई टेक मी टू दैट प्लेस, है ना, टेक मी टू दैट आइलैंड. ले गया उसको, वहाँ जाके छोड़ दिया, वापस आ गया. उसको तो पता था कि उनके पास लंबे लंबे वो जो बर्छे होते हैं जो बांस के बनते हैं, है ना, तो उसके पास कैमरा टंगा हुआ था अंग्रेज, वो उसने निक्कर उक्कर पहनी हुई कि मैं तो फोटोएं खींच के लेके जाऊंगा कि ऐसी ट्राइब होती हैं. उन्होंने देखा ट्राइब वालों ने उसको, उनको लगा कि ये पता नहीं कैसा सा बंदा, कौन कहाँ से आया, मार दिया, दे किल्ड हिम. तो बोट वाला उसकी बॉडी वॉडी उठा के ले आया. अमेरिकन था वो, इसलिए वो नज़र में आ गया. अगर कोई अफ्रीकन कंट्री से आया होता किसी ने नहीं पूछना था. अमेरिका के सिटीजन्स का रिकॉर्ड रहता है थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे. तो वो जब मारा गया तो केस चलेगा भाई ट्राइब्स वालों पे. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई केस नहीं चलेगा. तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम एग्जाम्पल दी थी कि आप ट्रेन की पटरी पर अगर चले जाओ और ट्रेन आपको काट के चली जाए तो ट्रेन की गलती थोड़ी है. दिस वॉज द एग्जाम्पल गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट जज एट दैट टाइम. भाई तुम गए थे वहाँ मजे लेने के लिए, अब तुम मारे गए, तो देर इज नो केस अगेंस्ट दोज पीपल. उनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, दे डोंट नो इट्स अ क्राइम. लॉ में एक टर्म होती है, उसे कहा जाता है इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजैट. इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, कि मुझे पता ही नहीं था कि ये लॉ है. लेकिन ये उन पर अप्लाई नहीं होता, उनको वाकई नहीं पता कि लॉ क्या है. तो सुप्रीम कोर्ट कार्व्ड आउट दिस एक्सेप्शन, ठीक है. तो अब उन आइलैंड पे वो टेरिटरी भी है, वहाँ पे लोग भी रह रहे हैं, लेकिन वहाँ क्या नहीं है, गवर्नमेंट